आपने कही हम सफर या बड़ी लंबी दूरी का कोई भी ट्रेन, जिसको पप्पू यादव ने हम सफर को शुरू किया था, वैशाली ट्रेन भी पप्पू यादव जबरदस्ती ला करके शुरू किया, अन्य कई ट्रेनें हमने शुरू की थी। जब एमपी एमएलए मंत्री सो जाएगा, जब हम लड़ना और आवाज देना खत्म कर देंगे और सड़क सुनी हो जाएगी, तो सरकार तो बर्बर होगा ना। हो ना, जनता लड़ना चाहती है ना प्रतिनिधि। आम जनता की सुविधा छीनने की औकात भारत सरकार को बाप जिंदगी में नहीं हो सकता। हम बहुत आग्रह करेंगे इस इलाके के कई जो सांसद हैं, आप एकजुट होकर प्रधानमंत्री से मिले, रेल मंत्री से, या सदन में आप इस मुद्दे को उठाएं। हेल्थ, एजुकेशन, पानी और बिजली, ये कॉमन आदमी पर बोझ नहीं डाला जा सकता है। तीसरी चीज, आपने कही हम सफर या बड़ी लंबी दूरी का कोई भी ट्रेन, जिसको पप्पू यादव ने हम सफर को शुरू किया था, वैशाली ट्रेन भी पप्पू यादव जबरदस्ती ला करके शुरू किया, अन्य कई ट्रेनें हमने शुरू की थी। अब आप हमको एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछूंगा। जब एमपी एमएलए मंत्री सो जाएगा, जब हम लड़ना और आवाज देना खत्म कर देंगे और सड़क सुनी हो जाएगी, तो सरकार तो बर्बर होगा ना। हो ना, जनता लड़ना चाहती है ना प्रतिनिधि। आम जनता की सुविधा छीनने की औकात भारत सरकार को बाप जिंदगी में नहीं हो सकता। और यदि भारत सरकार लगातार कोसी सीमांचल के साथ, वैसे ही बिहार के साथ सोतेलेपन का व्यवहार है इसका, और लगातार हमारी सुविधा पर, हमारे पीठ पर लात मारते जा रही है, हम बहुत आग्रह करेंगे इस इलाके के कई जो सांसद हैं, पूरा सीमांचल कोसी के, कि आप एकजुट होकर प्रधानमंत्री से मिले, रेल मंत्री से, या सदन में आप इस मुद्दे को उठाएं कि आप सबसे ज्यादा पंजाब जाने वाला, साउथ जाने वाला जो ट्रेन था, जिससे कोसी सीमांचल का सफर सबसे ज्यादा था, दिल्ली आने वाला, आपने उस ट्रेन को खत्म कर दी। तो मैं आपको वचन देता हूं कि हम एक सप्ताह के अंदर पार्टी के सारे साथियों से बैठकर रेलवे स्टेशन पर रेलवे मंत्रालय के द्वारा धरना प्रदर्शन, और फिर जरूरत होगी तो भारत सरकार के रेल रोको आंदोलन का भी हम काज करेंगे, कि आप हमसे मेरा राइट नहीं छीन सकते।